स्कूल की आप टीचर है, मैं उस स्कूल का हेडमास्टर। अच्छा, तो आपने मुझसे सवाल पूछा। अच्छा, ये मुझे आपने नई जानकारी दी, बड़ी अच्छी जानकारी दी शहजाद। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तू क्या चाहता क्या भाई जी? चलिए तो मैं फिर प्रिंसिपल साहब को नमस्कार कर देती हूँ। आर यू कॉमेडी मी? वंस मोर जी। चलिए तो मैं फिर प्रिंसिपल साहब को नमस्कार कर देती हूँ। कहते हैं बदला, इतना सुकून मिल रहा है। 800 करोड़ बीजेपी ने रखे हैं, ऑडियो टेप है, जांच कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हमें धमकी आ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी दे रही है धमकी। मैं तो आपसे पूछ रही थी कि किसने दी धमकी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है, सही बात है। शोभना जी, आपने फिर मुझसे सवाल क्यों पूछा? शोभना जी, फिर मुझसे आपने सवाल क्यों पूछा? आप आम आदमी पार्टी से पूछा कि कौन हो सकता है आपकी नजर? शोभना जी देखिए, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। मैं तो देखो, मैं शहजाद के लिए अच्छा सोचता हूँ। हाँ। देखिए, अशोक चौहान जी पार्टी में आ गए, शिंदे जी पार्टी में आ गए, वहां से अजीत पवार जी पार्टी में आ गए। अरे भाई, जो बेचारा टीवी पे लड़ाई कर रहा है उनके लिए, जो लड़ाई करता है, रोज आता है, बहस करता है, उसको कब टिकट दोगे आप? उसको कब विधायक बनाओगे? मैं तो गजब बेइज्जती है। तो आम आदमी पार्टी में गया, मैं 10 साल से विधायक हूँ, बहुत छोटी बड़ी बन गया। तो शहजाद को भी तो मौका मिलना चाहिए। ऐसे हजारों युवा जो गलियों में जा रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, हवा निकल गई। आखिरी बात राजीव जी, क्या ये वैसा ही आरोप है जैसा कि आरोप लगा रहे थे कि साहब विधायक हमारे खरीदे जा रहे हैं, और जब आप पहुंचे दिल्ली पुलिस जांच के लिए तो सब टाइप हो गया? कोई आधार है आपके पास? किसने मैसेज भेजा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा नहीं होता कि आप पुलिस में जाते कि साहब हमें धमकी मिल रही है? गुड शॉट। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तलवार तो आप कब से कह रहे हैं जी? अच्छा शोभना जी, जी देखिए ऐसा है कि मैंने कई बार डिबेट्स में पहले भी कहा है, 2014 के अंदर इन्हीं के दिल्ली के उपाध्यक्ष की बकायदा हमने एक सीडी जारी करी, जिसमें हमारे विधायक के साथ में बैठ के उनको पैसे ऑफर कर रहे थे कि हमारे साथ में सरकार बना लो। उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं करा उनके खिलाफ, ना पुलिस ने करा। सही समय आने पे हो सकता है हम सबूत दे दें, आप वेट कर लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, मैंने ये भी दिल्ली विधानसभा में भी व्यक्तित्व था कि कई बार इस तरीके से लोग आते हैं, वो हमारे पहले रिश्तेदारों पे जाते हैं, पड़ोसी पे जाते हैं, दोस्तों पे जाते हैं, वो आके हमको बताते हैं, ऐसे कह रहा भाई, अगर तुमने ऐसे करा तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। अभी शहजाद ने आपको कहा कि मैं स्कूल का हेडमास्टर हूं। अब देखिए शहजाद को बात में गुस्सा आ गया, पावर में ये लोग। अरे भाई, वार्ड लगा डाली इसने। देखो मैं तो शहजाद के लिए अच्छी बात सोचता हूं, मैं सोचता हूं महाराष्ट्र में अशोक, ये तो डिबेट हो रही है, ठीक है, जिसको जो बोलना है उसको आजादी है। मेरी बात शाबाश बेटा, अगर ये गठबंधन होगा तो 3 से 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धमकी दी जा रही है, कौन दे रहा है धमकी? ये बड़ी अच्छी बात कही यार। जो कुछ साल पहले सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे, सुन लीजिए, जो दो दो कुछ साल पहले सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे, आज उनको सोनिया गांधी में सारे गुण नजर आते हैं, ऐसी बातों का विश्वसनीयता क्या है? गडकरी जी की माफी मांगी, जेटली जी की माफी मांगी, इन्होंने 1 साल पहले आरोप लगाया था। मैं प्रिंसिपल की बातें भी सुनते हैं, प्रिंसिपल की बात चलिए सुनाइए, सुनाइए बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। तरीका ठीक नहीं। मैं जब वाह ये आए हमदर्दी जता रहे हैं शोभना जी, उन्होंने तो नाम नहीं लिया ना, तो आपने मुझसे सवाल पूछा? मैंने तो पूछा नहीं भाई, क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं? राजेश सिंह सुन लीजिए, अब बार बार शोभना जी बार बार हर वाक्य पे आप बोलेंगे तो फ्लो टूट जाएगा, जनता को भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलिए ना अपनी बात, मेरा खत्म होने दीजिए ना, छोटा सा ही तो बोलता हूँ मैं। चुप रे, नॉनसेंस, कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। अरे आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 1 साल पहले मेरे पास उसका भी ऑडियो टेप है, आम आदमी पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 800 करोड़ रुपए भाजपा ने इकट्ठा कर रखे, ऑडियो टेप जारी कर देंगे, ये हमें तोड़ना चाहते हैं, ये कानूनी जुर्म है पोका में, इसके ऊपर आज तक कोई केस नहीं किया। और भाई अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे के हिंदुस्तान का नेता 100 करोड़, हाँ नेतागिरी पे कलंक है कलंक। और उल्टा ऑडियो टेप जो जारी करने वाले थे वो नहीं किया, अभी उन्होंने जो आरोप लगाया भाजपा पे उसके लिए जब पुलिस पहुंची कि सबूत दीजिए तो वहां पर भी भाग गए, मतलब ईडी का आरोप लगे तब भी भागते, किसी पे आरोप लगाकर भी भागते, इनसे पूछिए। अब जो सोनिया गांधी के बारे में ये कह रहे थे, पहले गडकरी जी के बारे में क्या क्या कहा, फिर माफी मांगी, जेटली जी के बारे में कहा, मजीठिया की माफी मांग ली, तो इनसे पूछिए इनकी विश्वसनीयता क्या है। पहली बात चुतिया नहीं बना रहे हैं अब, चूतिया है। मैंने ये इसलिए भी सुनाया क्योंकि देखिए अभी जो यहाँ पर हमें लेक्चर दे रहे थे ना नरेंद्र सरेंडर का, तो क्या सरेंडर किया है कि केजरीवाल जो बच्चों की सौगंध खाते थे कि मैं, तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी, अब मिला रही है। क्या आपने सरेंडर किया है कि एक यादव नाम के जर्नलिस्ट को पीटा जाता है तो कोई घनशांति वाली बोल नहीं पाते, नाचने वाली कहा है ऐश्वर्या राय को, राहुल गांधी ने कुछ बोल नहीं पाते, ये आप बड़े हरामी हो बेटा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Let me up with a bright smile on now. Put me in the car, so won't get lost now.